हेलो फैमिली, आज हम बनाएंगे चने से बनी चना चिल्ली। देखिए कैसे बनाते हैं। ये चने और थोड़ा सा सोडा इसमें डाल दिए हैं और इसे हम चढ़ा देते हैं। इसे पहले 2 घंटा के लिए भिगो लिया था। ये देखिए 2 सीटी आ गया, अब इसे बंद कर दिए। अब देखिए कितना अच्छा उबल गया। सोडा डालने से चना बहुत जल्दी उबल जाता है। अब एक बर्तन ले लीजिए और इसमें कॉर्नफ्लोर डाल लीजिए 3 चम्मच। ये थोड़ा सा नमक। आप एक बार चना चिल्ली बना के देखिए, ऐसे बिल्कुल इजी एकदम सिंपल तरीके से। आप बाजार से चिल्ली कभी नहीं लाएंगे, एक बार आप अपने हाथ से बनाएंगे तो। ये फूड कलर थोड़ा सा, अब इसे हम मिला लेते हैं। इसे हम सूखा ही मिलाएंगे, इसमें पानी नहीं डालेंगे। और चना को भी हमने छान के ही रखा है। अब इसी में चना डाल दिए, अब इसे हम मिला लेते हैं। इसमें पानी का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे। अच्छे से आप मिला लीजिए। ये हमारा अब मिल गया। अब चलिए देखिए फैमिली, अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब की दीजिएगा। चलिए अब एक बर्तन में तेल चढ़ा दिए हैं। चलिए तेल गर्म हो गया। देखिए कैसे एक एक करके हम डालते हैं तेल में। तेल ज़्यादा नहीं रखेंगे कढ़ाई में, इसमें बहुत कम तेल से ही बन के तैयार हो जाता है। छानने में ज्यादा तेल नहीं लगता है। देखिए छानने के समय आंच को मीडियम ही रखें। ये चम्मच के सहायता से अपना चला लीजिए। थोड़ा बहुत उलट पलट के आप चला लीजिए। 4 से 5 मिनट में छान के तैयार हो जाता है। अब ये पूरी छानने वाली से हम निकाल देते हैं, इसका तेल पूरा निकाल लेंगे। देख रहे हैं कितना अच्छा कलर आया है, खाने में भी बहुत अच्छा। आप एक बार बनाइए, बच्चे के टिफिन में भी दीजिए, बच्चे लोग तो मांग के खाएंगे, आपको बहुत पसंद आएगा। ये देखिए 2 चम्मच के लगभग ही तेल है, हम ज़्यादा तेल का यूज नहीं करेंगे। ये 5-6 लहसुन की कलियाँ है जो लंबे लंबे हमने काटे हैं, अब इसे हम चला लेते हैं। अब इसे बनाने के समय हम गैस का फ्लेम बहुत तेज रखेंगे। अब ये 2 शिमला मिर्च और 2 प्याज, इसे भी हमने मोटा मोटा काट लिया है। अब इसे हम चला लेते हैं। देखिए आप एक बार बनाइए, आप बाजार से चिल्ली नहीं लाएंगे, आप घर पे ही हमेशा बनाएंगे। ये देखिए कितना अच्छा। अब ये गैस हम कम कर देते हैं। अब इसमें हम ये सोया सॉस 1 चम्मच, 1 चम्मच से भी कम ही है, छोटा चम्मच है। और ये 1/2 चम्मच रेड चिल्ली और ये टमाटर केचप 2 चम्मच। अब इसे मिला लीजिए। अब इसमें हम डालेंगे ग्रीन चिल्ली सॉस 1 चम्मच है और ये थोड़ा सा वेगनेर 1/2 चम्मच समझिए।
अब इसे मिला लीजिए। इसमें हम कोई मसाला नहीं डालेंगे, बहुत ही इजी तरीके से बनाएंगे, लेकिन खाने में बहुत टेस्टी। अब ये थोड़ा सा नमक हमने चना में भी डाला था, तो इसमें थोड़ा सा बस बैलेंस करने के लिए हम नमक डालेंगे, नमक ज्यादा ना करें। अब इसे मिला लीजिए। अब ये देखिए चना, अब इसमें हम डाल देते हैं। अब इसे भी हम मिला लेंगे। अब चलिए अब चला लीजिए। शिमला मिर्च और प्याज को ज्यादा भी नहीं भूनेंगे, हरा ही रखेंगे। अब ये हरी धनिया थोड़ा सा, इसे भी हम डाल लिया। अभी थोड़ा 2 मिनट चला लीजिए। सात से 8 मिनट में आपकी पूरी रेसिपी बन के तैयार हो जाएगी। आप एक बार बना के देखिए, बहुत ही झटपट बनने वाली, इजी तरीके से। अभी ये देखिए गैस बंद कर दिया। अब चलिए हम आपको इसे सर्व करके दिखाते हैं। कलर देखिए इसका, और टेस्ट तो एक नंबर, आप खा के देखिए। ठीक है फैमिली, बाय।